हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। यार सबने दिमाग खा लिया था मेरा कि कहाँ है जीसॉक पे वीडियो, कहाँ है जीसॉक पे वीडियो, कहाँ है। तो आ गई है जीसॉक पे वीडियो और मैं यहाँ से ढूंढ के लाया हूँ बिल्कुल खान में से। बहुत अच्छे हमारे भाई हैं, सीनियर हैं, सचिन भैया, सचिन सिंह, GGIPU से। तो यहाँ पे हमें बताएंगे कि भाई जीसॉक में आखिर करना क्या होता है, हाउ टू स्टार्ट, मतलब स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है हमें कोडिंग। हमें सी आउट लिखना नहीं आता, हमें ऑन क्रिएट फंक्शन नहीं पता, हमें एक्टिविटी बनानी नहीं आती, हम कैसे करेंगे जीसॉक। तो उसके लिए मैं आया हूँ, हमें बताएंगे भैया, दिस शो द लाइट। भैया जल्दी से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो एक बार। हेलो, मैं सच आई माय नेम इज सचिन। मैं आई एम फ्रॉम GGSIPU, यू एस हेयर सिटी न्यू दिल्ली। तो आई एम नाउ करंटली इन थर्ड ईयर। तो जीसॉक के बारे में ऐसा था कि आई स्टार्टेड जीसॉक इन सेकेंड ईयर। एक सीनियर से हमारे उन्होंने स्टार्ट किया कि ओके, दिस इज जी व्हाट इज जी जीसॉक, ऐसे ऐसे अप्लाई करते हो आप सब कुछ ऐसे। उन्होंने थोड़ा बहुत ब्रीफ दिया हमको सेकेंड ईयर में दिया। सेकेंड ईयर में फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की उसके बारे में, थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि इट द कॉन्सेप्ट वॉज गुड कि ओपन सोर्स में आप कंट्रीब्यूट करोगे, कोई प्रोजेक्ट लोगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अभी आप बिल्कुल नए नए होते हो, आपको कुछ इतना पता नहीं होता कि ओके ओपन सोर्स क्या है, क्योंकि बहुत कुछ होता है जब फर्स्ट ईयर में आप आते हो। बिल्कुल ओके, ओपन सोर्स भी कुछ होता है, अब कुछ वेब डेवलपमेंट भी कुछ होती है, कुछ एंड्रॉयड डेवलपमेंट होती है, बहुत कुछ होता है, तो कुछ पता नहीं होता। तो फर्स्ट ईयर में जस्ट सीखते हो। तो सेकेंड ईयर मैंने शुरू किया ओपन सोर्स में, शुरू किया कंट्रीब्यूशन करना वगैरह, वो सब सुनने के बाद, तो उसके बाद फिर मैंने जीसॉक में अप्लाई किया था ओके सेकंड। सर, तो सर ये जीसॉक आगे ना है क्या, मतलब ये जीसॉक जीसॉक सब कर रहे हैं, गूगल समर ऑफ कोड, ये है क्या, मतलब भला क्या है? तो जीसॉक इज गूगल सम ऑफ कोड, इज अ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड बाय गूगल टू यंग डेवलपर्स, सो दैट यंग डेवलपर्स कैन कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। ओपन सोर्स क्या है कि बहुत कमाल की चीज़ है, क्यों किसी ने प्रोजेक्ट बनाया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब आप किसी को भी प्रोजेक्ट्स, चाहे आपको अच्छा लगा कि ओके ये प्रोजेक्ट्स तो अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे काम का प्रोजेक्ट है, उसमें जाके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो कि मुझे ये फीचर चाहिए, मैंने इसमें ये काम कर लिया, आपको फीचर मिल गया, एंड दैट टू वो फीचर कई लोग और यूज़ कर पाएंगे। तो ओपन सोर्स इज़ ग्रेट, मतलब एक लाइन में ये कह सकता हूँ। कैसे कंट्रीब्यूट करना है ओपन सोर्स में? ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ होती है, हर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की कम्युनिटीज़ होंगी। तो आप जीसॉक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म इस बात के लिए होता है कि दे इंट्रोड्यूस यू, दे एक्ट एज अ मीडियम टू कनेक्ट यू टू द डेवलपर्स। तो आप जीसॉक में जाते हो, आपको पता लगता है ओके ये कम्युनिटीज हैं, ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ये बात है, तो फिर आप जाते हो, आप कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते हो, आप उनके प्रोजेक्ट के बारे में देखते हो कि ये है, आप उनसे इंटरेक्ट करते हो कि मैं इसको ऐसा डेवलप कर सकता हूँ, ऐसा ठीक कर सकता हूँ। सो इट्स अबाउट दैट। तो आप वहाँ पे जाते हो, आप उनको बोलते हो कि ये फीचर मुझे इंप्लीमेंट करना है, उसको प्रपोजल कहते हैं, मतलब वो वही आपका प्रोजेक्ट होता है, उस समर में आप वही करते हो, तो वो आप उनको कहते हो, उनको अच्छा लगता है, वो कहते हैं ओके ठीक है आप ये करो, हम आपको टाइम देंगे, हम आपको रिसोर्सेज देंगे, मेंटर्स भी देंगे आपको कि आप अच्छे से प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर पाओ, और आप फ्री 3 मंथ्स अपना समर यूटिलाइज करते हो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, स्टाइपेंड भी मिलती है, इट इज़ वेरी गुड इंसेंटिव टू वर्क। या ऑफ कोर्स पैसा सबको अच्छा लगता है, पहली बात तो ये है, बट ये बात है कि यार हम आते हैं, मतलब अगस्त में आते हैं, शायद जुलाई में आते हैं सेकेंड ईयर में, तो ये मतलब कब आपको आपको सीनियर्स ने बताया, कब बताया, और आपने एक्चुअली लैपटॉप उठा के जीसॉक पहली बार गूगल कब किया कि मतलब ये आपसे आज से तो स्टार्ट करना है अपने को? तो सीनियर ने कंडक्ट किया था, आई थिंक इन टेक्निकल फेस्ट था हमारा, टेक्निकल फेस्ट व्हिच इज अराउंड इन अक्टूबर में था। तो उन्होंने टेक्निकल फेस्ट में उन्होंने टॉक दिया था कि जीसॉक क्या होता है, टोटल कैसे कैसे करते हैं, उन्होंने अच्छे से सब कुछ समझाया था सबको, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आया, ओके दिस इज़ गुड। फिर वहाँ से जाके मैंने थोड़ा वहाँ पे रिसर्च की उसके बारे में, आगे उसी फेस्ट के अराउंड मैंने रिसर्च किया, ओके दिस इज़ ये ऐसा था, थोड़ा सीनियर से भी इंटरेक्ट किया मैंने, ओके भैया ऐसे ऐसी बात है, ये कैसे करते हैं, इसमें आगे कैसे कंट्रीब्यूट करना है, मेंटर से बात कैसे करूँ, पहली कमिट कैसे करूँ, कैसे कंट्रीब्यूशन करूँ उसमें मैं, तो सीनियर ने सब कुछ बताया था। तो इसी के अराउंड मैंने ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर के अराउंड मैंने शुरू किया था ये इसमें रिसर्च करना। ओके दैट्स ग्रेट सर। तो पहला मतलब स्टार्ट क्या, जैसे हम लोग आते हैं DSL को करते हैं, या फिर हम कोई तो एंड्रॉइड कर रहा होता है, कोई HTML CSS कर रहा होता है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है डेवलपमेंट में, बट हम पहला स्टेप क्या होता है, मतलब स्टार्ट कैसे जीसॉक की तरफ इम्प्लीमेंटेशन, पहला हमें कमिट मारने के लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स क्या होते हैं कि मतलब ये सीखना है वो सीखना है? तो सबसे पहला प्रीरिक्विजिट तो ये है आपका इंटरेस्ट का है, सबसे पहला इंटरेस्ट के बिना तो नहीं होगा, क्योंकि 3 मंथ्स आपको सेम प्रोजेक्ट पे काम करना है और आपको बस ये है कि भाई मुझे तो जीसॉक करना है और तो चले गए वहाँ पे, तो वो हो नहीं पाएगा, एक टाइम के बाद आप भी बोर हो जाओगे। तो सबसे पहला तो ये है कि इंटरेस्ट किस में आपका, किस में इंटरेस्ट है उसमें करना, और ये वो नहीं है कि वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा, आपका इंटरेस्ट है ठीक है, आपको
लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन पर पसंद है, ठीक है, किसी लिनक्स में या ग्नू में या बहुत सारे होते हैं, उनमें जाके कंट्रीब्यूट किया आपने, आपको वेब डेवलपमेंट पसंद है उसमें आपने किया, आपको मशीन लर्निंग पसंद है, आपने प्रोजेक्ट्स ढूंढे उसके अराउंड उसमें किया, तो सबसे पहला तो प्रीरिक्विजिट है कि इंटरेस्ट ढूंढो अपना, इंटरेस्ट देखा, फिर उसके बाद आपने सॉर्ट आउट किया कि ओके इंटरेस्ट में बेसिक्स क्या क्या है, कि प्रोजेक्ट बेसिक मुझे ये सीखना ही होगा ताकि मैं थोड़ा बहुत जबकि किसी कम्युनिटी में बात करूँ, किसी से बात करूँ तो मुझे समझ में आए कि ये क्या हो कह रहे हैं, यहाँ पे बात किस बारे में कर रहे हैं, तो वो सीख लो। अब जैसे मशीन लर्निंग है तो मेनली पाइथन में ही करते तो पाइथन सीख ली, लो लेवल डेवलपमेंट कर रहे तो आपको सी आनी चाहिए, सी प्लस प्लस ऐसी कर ली, एंड्रॉइड कर रहे तो कॉटलिन और सब कुछ आना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करेगा, उस हिसाब से अपना सेट कर लो आप कि क्या है मुझे। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत आप ओपन उसमें जाओ, वर्क फ्लो में, ओपन सोर्स वर्क फ्लो में कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसके लिए गिटहब वो सब थोड़ा सा सीख लो कि वैसे वो सब कुछ बताते हैं, आप जब करोगे तो आप कम्युनिटी में धीरे धीरे आपको पता लगेगा, बट एक प्रीरिक्विजिट वो भी लेके चलो कि गिटहब ये सब आना चाहिए, कि इसमें कैसे करते हैं ये सब आना चाहिए पहले से स्टार्टिंग में। ओके सर, तो सर ये टाइमलाइन कितनी होती है, मतलब क्या टाइमलाइन होती है कि मतलब यहाँ से आपने बताया कि आपने दिसंबर से स्टार्ट किया, अपने अक्टूबर में आपका स्टार्ट हुआ, नवंबर वगैरह से स्टार्ट किया होगा, टेंथ सेमेस्टर आगे होंगे, फिर आपने जनवरी से आप सीरियस हुए होंगे शायद, जब मेंटर्स की लिस्ट आती है और प्रोजेक्ट वगैरह की लिस्ट आती है, तो ये हाँ, तो सर ये कम्युनिटी जो होती है ये कैसे काम करती है, मतलब कम्युनिटी से आप कहते हो, कम्युनिटी से आप क्या बोलते हो, कि आप डिस्कॉर्ड सर्वर है क्या कोई, या फिर कोई इंस्टाग्राम ग्रुप है, या कोई अलग ही इल्यूमिनाटी टाइप से कोई चीज़ है, तो ये है क्या कम्युनिटी सर, ये बताइए आप। So, community is like all the developers, mentors और contributors जो इस project पे particular project पे contribute करते हैं या उसको maintain करते हैं सब कुछ उसको, different projects के लिए different channels होते हैं कैसे communicate कर सकते हो आप, कोई IRC के through communicate करता है, कोई mailing list के through communicate करता है, किसी का Slack होता है, किसी का Gator channel होता है, उन सबके अलग अलग होते हैं, सब प्रोजेक्ट्स के यूनिक होते हैं, मेनली हर एक प्रोजेक्ट का एक मेलिंग लिस्ट तो होता ही होता है, वो एक मतलब एक सबके लिए वो होता है कि ये तो होना ही चाहिए, पर बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनका सब कुछ दिया होता है कि आप मे बी रीड मी में उनके प्रोजेक्ट में रीड मी में दिया होगा या कहीं दिया होगा कि अगर आप कॉन्टैक्ट करना है आप मेंटर्स को या मेंटेनर को ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनको, तो वो सब कुछ दिया होता है वहाँ पे, उसी के थ्रू आप कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनको कि ओके मुझे ये काम करना है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, कुछ डायरेक्शंस दे दीजिए मुझे, ऐसे कुछ आप कुछ भी पूछ सकते हो, फॉर्मली पूछ सकते हो उसमें कुछ भी, तो कम्युनिटी आपको बता देगी, हेल्प कर देगी सब में। ओके तो सर ये मतलब जैसे अब कुछ कुछ चीज़ें तो हो गई, जैसे आपने बताया पाइथन अब सीखनी पड़ेगी मशीन लर्निंग के लिए या डीप लर्निंग या डेटा साइंस के लिए, तो बहुत हाई लेवल चीज़ें चाहिए, वो हम समझ ही नहीं सकते सेकेंड ईयर में, तो हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो आप ऐसा कुछ बताओ कि मतलब जो हमारी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की ऑडियंस है, जो मतलब एक्चुअली जिन्हें सिर्फ जावा आती है या बेसिक एंड्रॉयड वेब आता है या फिर लो लेवल आता है, तो वो क्या कर सकते हैं, मतलब वो क्या सीखें जिससे वो कुछ कर सकें। बेसिक्स ही आने चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल है कुछ पाइथन में कर रहा हूँ तो पाइथन में मुझे पूरा ही आना चाहिए, किसी भी प्रोजेक्ट को जो भी आप प्रोजेक्ट देखोगे ना, जब भी आप जाओगे किसी बड़े प्रोजेक्ट में जाओगे तो वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब घूम जाओगे देख के कि भाई मैं करूँ कैसे में, पहले तो पता ही नहीं करना क्या है, जाके पहले इंटीमिडिएटिंग होता है थोड़ा सा कि क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता किसी को, तो बेसिक्स तो बेसिक्स तो कोई कर सकता है उसमें, फर्स्ट सेकंड ईयर किसी को नहीं, फर्स्ट ईयर में भी बेसिक्स कर सकते हो उसमें, अब बेसिक्स तो कोई भी कर सकता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बेसिक्स, तो हर बेसिक तो हर कोई कर सकता है उसमें, कुछ ऐसा प्रीरिक्विजिट नहीं है। ये है कि काम अगर लेवल बढ़ा काम का तो वो आपको ऑन द गो सीखना होगा, तो अगर थोड़ा आपको लगा कि ओके अब ये थोड़ा दिक्कत बढ़ रही है पर वो ओके बेसिक्स कंप्लीट है तो उसके ऊपर ही लेयर कर सकते हो, उसके ऊपर ही थोड़ा बहुत ला सकते हो, और ये होता है कि सब कुछ आपको सीखना नहीं है, आपको सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट सीखना है कि जिसमें आपको कंट्रीब्यूट वगैरह करना है, जैसे कोई आपने इशू लिया, मतलब जैसे किसी प्रोजेक्ट में आपको कंट्रीब्यूट करना है तो इशूज होते हैं, गिटहब पे जाओगे इशूज, या फिर आपको कोई न्यू फीचर इंप्लीमेंट करना है तो वो सब कुछ होता है वहाँ पे एक पोर्शन, आप उसको लोगे तो आपको ये भी नहीं होता कि पूरा प्रोजेक्ट जानना चाहिए उस इशू को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपको बेसिक्स आने चाहिए, आप पूछो कम्युनिटी में जाके ओके कि ये बेसिक मुझे ऐसे ऐसे करना है, और फिर उस पे जाओ, उस इशू पे जाओ, फिर आप देखो ओके इसके लिए ये भी थोड़ा आना चाहिए, तो आपने थोड़ा जल्दी जल्दी वो भी सीख लिया, बस वो पोर्शन जो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए, तो सीखना वैसे ही होता है, बेसिक्स स्टार्ट कर लो और सीखो उस हिसाब से जिस हिसाब से आपका काम मिला आपको, जिस हिसाब से काम आता जा रहा है उस हिसाब से सीखना, पूरा सीखने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा। ओके सर, तो सर ये भी तो बात होगी हमें चाहिए क्या, मतलब प्रीरिक्विजिट्स क्या होते हैं, हमें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, अब बात आती है कि जीसॉक में जाना कैसे है, मतलब बहुत अब लोग अप्लाई करते हैं, कुछ 1700 या 1800 कितने लोग सेलेक्ट होते हैं,
इस साल तो बहुत ज्यादा हो गया था इस साल, क्योंकि कोविड का टाइम था तो बहुत कुछ हो गया था, लोगों ने आखिर हफ्ते में कुछ भी नहीं करके सिंपल बहुत इस साल लाइक 50,000 के अराउंड प्रपोजल्स आ गए थे लास्ट में जाके, बहुत सारे प्रपोजल्स आ गए थे। प्रपोजल नहीं, प्रपोजल कम आए थे, लॉग इन बहुत लोगों ने किया था, प्रपोजल्स भी बहुत सारे आए थे, मुझे याद नहीं है पर्टिकुलर टर्म, पर बहुत सारे लोगों ने लॉग इन कर दिया था कि मुझे अप्लाई करना है, जो कि बहुत ज्यादा था, 50% ज्यादा था पिछले टाइम लास्ट ईयर से। और कई सारे लोगों ने अप्लाई किया था, फाइनली 2000 के अराउंड कुछ सेलेक्ट हुए थे, 200 के अराउंड ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए थे, ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट हुई थी, और 2000 के अराउंड बच्चे सेलेक्ट हुए थे 2000 के अराउंड। तो हाँ, तो उसमें ये हुआ था सिलेक्शन में। ओके सर, तो सर ये मतलब आपने लॉग इन कर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, फिर ये तो ठीक है, उसके पहले आपको ये करना क्या होता है कि मतलब आपको प्रपोजल, आपने बताया प्रपोजल बनाना है, कि प्रपोजल क्या है, और ये आपने हमारी पहले बात हो रही थी, आपने कहा था कि एटिकेट्स होने चाहिए कम्युनिटी में बात करने के, तो ये चीजें कौन सिखाएगा और हमें कैसे सीखनी है ये बता दीजिए। एटिकेट्स थोड़ा, एटिकेट्स कॉमन ही होते हैं, मतलब वो प्रोजेक्ट के भी लिए, मतलब एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के लिए भी नहीं, एटिकेट्स आपको नॉर्मली क्या बोलना चाहिए इंटरनेट पे जब भी होते हो, वो सिंपल सोशल मीडिया वही होते हैं एटिकेट्स बेसिकली, तो वही एटिकेट्स आपको पता होना चाहिए, सबको पता ही होते हैं, तमीज यही होती है कि क्या तमीज है सबको पता होता है, ये मैं करूँगा तो बदतमीजी मानी जाएगी, तो वो सबको पता होता है। हाँ, थोड़ा ये होना चाहिए कि स्पैम नहीं करना चाहिए, एक थोड़ा ये बात करते समय थोड़ा स्पैम वगैरह मत करो, थोड़ा वेट करो डेवलपर्स के लिए, रिप्लाई के लिए, कि अब सबके टाइमलाइन भी अलग होती हैं, कई दुनिया भर में फैले होते हैं डेवलपर्स, तो टाइमलाइन अलग होती है, थोड़ा वेट करो जब आप कभी भी कुछ पूछते हो, थोड़ा वेट करो उनके लिए। प्रपोजल की बात रही, प्रपोजल और ये सबसे पहले ये होता है कि अगर प्रोजेक्ट को जानना है तो थोड़ा आप उसमें कंट्रीब्यूट करोगे, रिसोर्स थोड़ा सा पहले जिस प्रोजेक्ट में आपको सिलेक्ट करना है थोड़ा कंट्रीब्यूट करोगे आप उसमें। कंट्रीब्यूशन के लिए पहले आप थोड़ा मेंटर से बात करोगे, मेंटर्स के जो भी कम्युनिटी में लोग हैं बात करोगे, मेंटेनर से बात करोगे, जो इस बार का मेंटर बनेगा उससे बात करोगे आप कि ओके सर मुझे इससे करना है, सर थोड़ा फॉर्मल टर्म नहीं होती, नेम से ही बुलाते हैं मेनली वैसे, उनसे बात करोगे आप सबसे कि मुझे इस इशू पे काम करना है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे, तो थोड़े इश्यूज आप थोड़ा आपको पहले काम करना होता है उस पर, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही बेयर बोन जाओगे कि ओके आ गया मैं मुझे अब ले लो, ऐसा नहीं होता, थोड़ा काम करो पहले, थोड़ा बहुत इश्यूज सॉल्व करो, थोड़ा बहुत कोड भी समझो, तो आपको वो प्रपोजल बनाने में ईजी रहता है, प्रपोजल में दिखा भी पाओगे कि मैंने एक काम किया है, अब मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ बड़े प्रोजेक्ट के लिए। प्रपोजल कैसे करना होता है, प्रपोजल के लिए आप मेंटर से बात करोगे, ऑल्दो कई सारी जितनी भी आती हैं ऑर्गेनाइजेशन वो थोड़े प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके देते हैं आपको कि उनको इस बार इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, आप कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हो, वो प्रोजेक्ट लिस्ट देते हैं, वो सारे सब प्रोजेक्ट लिस्ट देते हैं, फिर आपको उस प्रोजेक्ट लिस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके बारे में आप अपने आइडियाज देते हो उनको, वो कि ओके ये प्रोजेक्ट है, मैं इसमें ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट इसको चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट करूँ ड्यूरिंग द समर्स, तो आप वो सब बता दोगे उनको, उनको आइडिया अच्छा लगेगा तो वो आपको कुछ एडिशनल स्टेप्स बताएंगे या फिर कुछ आपको इम्प्रूवमेंट्स बताएंगे उसी प्रपोजल के लिए, फिर वो आपको करके दोगे, तो बेसिकली आप प्रपोजल मेंटर्स के साथ डिस्कस करके ही बनाते हो अपना फाइनली जो उतना भी होता है। सर बहुत बड़ी बात होती है कि बहुत लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं कि मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने टफ कोड्स हैं, हमें तो स्क्रिप्ट याद नहीं रहती हैं, कभी कभी फंक्शंस याद नहीं रहते हैं, कितने हो गए, डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ता है बार बार, तो सर इसके लिए मतलब आप क्लियर हो ना कि बहुत ही कम, आपको एक बहुत ही छोटा सा रोल प्ले करना होता है पूरे प्रोजेक्ट में, यही आप कहना चाह रहे हो ना? हाँ, ये है कि स्टार्ट वही बस छोटा सा, आपको पूरा समझने की जरूरत नहीं है प्रोजेक्ट, बस छोटे से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कैसे प्रोजेक्ट है। ओके सर, तो सर ये हो गया कि आप जब जीसॉक में सेलेक्ट हो जाते हैं इवेंचुअली आपको एक मेंटर लीड करता है, सब आपके साथ सही होता है, बट पहले आपको कहाँ सीखोगे आप ये प्रपोजल लिखना, ये चीज़ें आप किससे बात करोगे, इसके लिए कम्युनिटी में आप बात करोगे? हाँ, कम्युनिटी के थ्रू बात करोगे, एक सीनियर से भी थोड़ा इंटरेक्शन रखो जिन्होंने पहले किया हुआ है, क्योंकि वो भी थोड़ा आपको परफेक्टली गाइड कर पाएंगे। सीनियर से बात करो जीसॉक स्पेसिफिक कि जीसॉक में भैया ये प्रपोजल ये रहा, कैसे लिखूँ मैं, क्या करूँ, आइडियाज़ के लिए आप कम्युनिटी में बात करो कि ओके ये मुझे ऐसे ही करना है, क्योंकि देखो सीनियर पक्का तो है नहीं कि उसी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया होगा, तो वो आपको प्रोजेक्ट स्पेसिफिक तो नहीं बता पाएंगे, वो आपको जीसॉक स्पेसिफिक बता पाएंगे कि ओके आपको ऐसे ऐसे बात करनी होती है, आप उनसे मेंटर से ये क्वेश्चन पूछो ऐसे पूछो, तो आपको मेंटर ऐसे आंसर देगा, वो आपको वो बता पाएंगे। मेंटर से बात करो टेक्निकल टर्म्स के लिए कि ओके ये वाला पोर्शन मैं चढ़ाऊँ, ये वाला ऐसे इंप्लीमेंट करूँ, ये क्लास ऐसे इंप्लीमेंट करूँ मैं, ये क्लास इसके साथ ऐसे इंप्लीमेंट करूँ, वो सब के लिए वो सब के लिए मेंटर के लिए टेक्निकल टर्म्स के लिए मेंटर से बात करो, कम्युनिटी से बात करो, और अपना थोड़ा फॉर्मली की बात पूछूं कैसे मैं, हाउ टू आस्क के लिए थोड़ा आप सीनियर वगैरह किसी जिसने पहले किया हो या जिसने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया तो उनसे थोड़ा बात कर लो।
ओके सर, तो सर ये एक बहुत बड़ा मिथ है, कुछ सारे बहुत सारे मिथ्स ऐसे रोल कर रहे हैं कि अभी बता रहे थे कि पहले तो होता है कि लोग कहते हैं कि मैं अगर कोई इस प्रोजेक्ट पे काम कर लूंगा या मेंटरशिप मुझे दे दो उससे कुछ काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसे मिथ्स होते हैं। कई मिथ्स ऐसे होते हैं कि कॉलेज का होता है कि यार IITs में बंदों का होता है, यार IITs वाले जीएसटी शॉप निकालते हैं, वहीं गूगल से प्लेसमेंट्स होते हैं, ऐसे कुछ मिथ्स हैं आप बर्स्ट कर सकते हो अभी रियल क्विक? देखो ये होता है मिथ, पता क्यों बन गई, क्योंकि देखो एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं जीसॉक की, एक रिपोर्ट मतलब जीसॉक की स्टैटिस्टिक्स आती हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट हमेशा टॉप में जितने भी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया से, तो वो टॉप टीयर कॉलेजेस के ही होते हैं, इसलिए मिथ बन गया कि सिर्फ उन्हीं का होता है। वो टॉप के दिखाते हैं कि टॉप 5 कॉलेजेस जहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे निकले, तो उसमें IIT। और तो हमारा कॉलेज भी आया था लास्ट ईयर, हमारा भी कॉलेज था उसमें, तो वो मिथ वहाँ पर डिबंक हो गया अपने आप ही। ये होता है, उसके बाद ये ऐसा कोई नहीं है, मतलब ओपन सोर्स है, वो आपका रेज्यूमे तो देखेंगे नहीं कि आपने क्या किया है, ऑब्वियसली रेज्यूमे ही देखेंगे, वो काम ही देखेंगे कि आपने कितना काम किया पहले इस प्रोजेक्ट पे, तो वो मत में तो वहाँ डिपेंड होगी। और बाकी ये नहीं होता कि ओके आपको पूरा ही सब कुछ आना चाहिए, मुझे ये सब की किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे बहुत कुछ पहले से ही आना चाहिए, आपको सब चीज़ का थोड़ा थोड़ा बेसिक्स टाइप के सब कुछ आना चाहिए, बस इतना चाहिए, इतनी प्रीरिक्विजिट है, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको, वो उसमें कोई मिथ नहीं है, कंट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा। और यही मित्र होती है जाती है, बाकी लीजिए सबको लगता है जी सॉक कर लिया तो भैया जिंदगी बन गई मेरी, वो वैसा भी कुछ नहीं होता। एक्सपोजर अच्छा मिलता है, गुड थिंग इज एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है आपको चीज़ों में। So that'll be wrapping it around. मतलब मुझे नहीं लगता अभी कोई और इसमें चीज़ है, आपको जो चीज़ में ऐड करनी हो कि मैंने कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया हो, आप बताइए कुछ सर। इंटीमेट मत होना, बस स्टार्टिंग में यही है कि लोग इंटीमेटेड हो जाते हैं कि ओके यार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, होगा नहीं, कुछ लोग ये भी होता है कि अब थर्ड ईयर में आ जाते हैं तो उनको लगता है अब मैं प्रिपेयर किस चीज़ के लिए करूँ, अब इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करूँ या जी सब के लिए, तो सिंपल सा आंसर वही है कि अगर आपको अच्छा लगता है कर सकते हो ऑब्वियसली, उसमें जी सब में करना, बस आपको ये एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, सबसे अच्छी सबसे प्लस पॉइंट तो ये कि एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, आपको कम्युनिटी अच्छी मिल जाएगी, लोग अच्छे मिलेंगे जिससे आप बात कर पाओगे, यही होता है जी सब के लिए। ओके सर, सो यार सर दैट विल बी रैपिंग इट अराउंड, पूरा हो गया ये मेरा तो। बाकी एक हमारा हमेशा एक सेगमेंट रखते हैं हम लोग हमेशा अपने एपिसोड में, ऐसे कहते हैं रैपिड फायर, इसमें हम ऐसे कोई उल्टे सीधे सवाल पूछते रहते हैं लोगों से, तो आपसे मैं ये दोस्त सबसे पहला सवाल है यार, हैकाथॉन का सबसे बड़ा इंसेंटिव क्या होता है? लोग कहते हैं यार हैकाथॉन में गूगल में हो गया जी सॉक होता है, मतलब सीधे गूगल में प्लेसमेंट है इसके बाद, ऐसा कुछ होता है क्या? ना ऐसा कुछ नहीं था, और तो ये होता है कि प्रेफरेंस मिल जाती है, प्रेफरेंस मिलती है आपको, मतलब ऑब्वियसली जी सॉक रेज्यूमे पे अच्छा लगता है आपके कि ठीक है अकाउंट के, ओपन सोर्स इन जनरल आपके रेज्यूमे पे अच्छा लगता है, जी सॉक में ओपन सोर्स में कुछ भी काम किया अच्छा लगता है, वो प्रेफरेंस देते हैं, ये इसमें कोई बात नहीं, वो खुद ही बोलते हैं कि ये प्रेफरेंस देंगे वो, ऑब्वियसली आपको ये होती है, थोड़ी प्रेफरेंस मिलती है पर पक्का नहीं होता कि भाई अब तो हो ही गया, ऐसा कुछ नहीं होता, इंटरव्यू देना ही पड़ेगा आपको। ओके सर, तो सर दूसरा सवाल रैपिड फायर में है कि आप पर्सनली क्या, आप थर्ड ईयर में हो, आप प्लेसमेंट कर रहे हो जी सॉक करने जा रहे हो या फिर आप MBA करोगे? MBA तो आई डोंट थिंक MBA मैं करने वाला हूँ, इतना नहीं मेरी हिम्मत है, नहीं MBA नहीं, ओपन सोर्स में मैं खुद कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, अभी भी मैं कुछ और भी प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि कंट्रीब्यूट करूँ मैं, और भी उनसे भी बात, अभी कुछ कम्युनिटीज में हूँ डेवलप इन्वॉल्व में, उनसे बात बात कर रहा हूँ, प्लेसमेंट देखी जाएगी बाद में। कितना कॉन्फिडेंस चाहिए बोलने के लिए कि प्लेसमेंट देखी जाएगी? प्लेसमेंट चार्ज पर छोड़ दिया है, वो देखेंगे। सही है सर, बहुत 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 ही बड़ी वो जिगरा चाहिए बोलने के लिए, मैं तो कहूँगा तो शॉर्ट सर इतना ही होगा, हम तो इतने रखेंगे, दैट बी इट। तो सर आपने आपका एक्सपीरियंस क्या था इस इंटरव्यू में, जो भी था ये पॉडकास्ट टाइप का? ओके सर, तो सर आप ये एक बार लाइक पे सब्सक्राइब बोलना चाहेंगे क्या? ओके तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए कनिष्क के चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिए, ये तो बड़े यूट्यूबर वाली बात हो गई, बेल आइकन दबा दीजिए। श्योर सर इतने रखेंगे, थैंक्स सर, थैंक फॉर बेयरिंग विद अस, जॉइनिंग विद अस, थैंक्स अ लॉट। ओके थैंक यू फॉर हैविंग मी, हैव गुड लक।